प्रशासन की लापरवाही उजागर। हम बात कर रहे हैं आगर तहसील के अंतर्गत ग्राम पिपलौन कला की, जहां पर बरसों पुरानी बनी पानी की टंकी गिरी। बहुत बार ग्रामीणों के द्वारा व जनपद सदस्य के द्वारा PHE व भोपाल भी शिकायत की गई। ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अधिकारियों को सूचना की गई, उसके बावजूद भी प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंगी। किसका मुआवजा वहां के ग्रामीणों को भुगतना पड़ा। बहुत से ग्रामीणों के घरों में पानी भी घुस गया। पानी घुसने से टंकी के पास बने मकानों में भी पानी घुस गया। वहीं 3 बच्चों को उनके परिवारजनों ने डूबने से बचाया। PHE विभाग में चावला जी जनप्रतिनिधि पर हमेशा दबाव बनाते थे कि अपनी शिकायत वापस ले लो, लेकिन जनप्रतिनिधि ने अभी तक अपनी शिकायत वापस नहीं ली। आखिर वह अपनी शिकायत वापस क्यों ले? शिकायत अगर की है तो उसका निस्तारण भी होना चाहिए, लेकिन प्रशासन के अधिकारी ही काम करने को तैयार नहीं है। अंदर तक पानी चाहिए तो चूल्हा में दार है, चूल्हा टूटी क्यों सही मत दबा के बाद ना बकरा बकरी आड़ी पानी भरे क्यों? ये टंकी टूटी जब आप थे यहाँ? यही था मैं तो, ये छोरा गाड़ी तो ही रहा था। आपको दिखी टंकी टूटते हुए? देखी, फिर आपने भागने की कोशिश नहीं करी? भागी क्या, इधर भागी। छोरा दोनों बिस्तर में, तो छोरा एक छोरा था अंदर, वो भी उठ के भागा। बड़ा वाला छोरा गाड़ी धोई रहा तो उधर भागा। आपने इसकी सूचना किसको करी थी? टंकी गिरने वाली है। सूचना करी तो सरपंच पर के आया था यहाँ पे। आपने उसको बोला था टंकी बोला गिरने था, वाली बोला था ये टंकी पड़ेगी साहब, ये टंकी मत करो, इसकी मलम्मत तो छूने कौन, सुनने तो कोई भी नहीं ए? बोला था मैंने पर के ये मत करो इसको सही। तो आप इस कब से इस टंकी यही रहते हो पास में टंकी के? यही पास में तो मकान है, सूचना करो तो मैं करो, कौन भी बोल गरीब कौन कौन सुने, रोज गीले हो जाए, रोज पानी अंदर घुस जाए, हमें गरीबों को सुने कौन? ये रोज पानी क्यों घुसता अंदर? ये पानी ये फूट रही, मतलब फूट भी रही थी ये टंकी? फूट भी इतनी फूट रही, रास्ता भी जाम हो जाए ना, ये पूरा ही घर गीला हो जाए, ये घर में निकलने की भी जगह नहीं लगती है, क्या शिकायत करे? आपने कितनी बार सूचना करी कि ये टंकी फूटी हुई है, क्षतिग्रस्त है, गिरने वाली है? कितनी बार करी आपने? 50 बार। कोई लिखित में आपके पास है? है, लिखित में भी है। क्या नाम है आपका? पप्पू खां। कहाँ रहते हो? यहाँ लोहे की टंकी के पास में। अच्छा, आप के पास में कोई पद है? हाँ, जनपद सदस्य हूँ मैं पिपलौन कला से। इसी वार्ड से हो? मैं इसी वार्ड से हूँ। अच्छा, ये पानी की जो टंकी आज गिरी सुबह, हाँ, तो इसकी कोई सूचना करी थी आपने संबंधित डिपार्टमेंट में? PHE में शिकायत करी, जनपद में आवाज उठाई, भोपाल शिकायत करी, उसकी प्राप्ति पड़ी मेरे पास, कोई अधिकारी हाँ ऊपर से नीचे तक हाँ किसी ने सुनने को नहीं की। आपने ये जो तमाम जगह आपने अभी बताया कि मैंने भोपाल भी करी है, हाँ, आगर भी करी है, तो किसी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पे? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो चावला जी, हमेशा चावला जी ये कहते थे कि शिकायत वापस ले लो, शिकायत वापस ले लो। मैंने अभी तक वो शिकायत वापस नहीं ली है। चावला जी कहाँ के? ये हमारे इसमें PHE विभाग में है। PHE विभाग में, हाँ। आपके पास में इन सब की रसीद है जो आपने शिकायत करी? मेरे पास कंप्लीट कागज पड़े, प्राप्ति पड़ी मेरे पास। आपने शिकायत कब करी थी? मैंने 4 साल से शिकायत करता चला रहा हूँ। 4 वर्षों से लगातार आप शिकायत कर रहे हो? आपने भोपाल भी करी, आपने PHE विभाग में भी करी आपने, लेकिन किसी भी अधिकारी ने टंकी की सूद नहीं ली। और मैंने तहसीलदार को भी बुला के बताई गई टंकी। कब की बात है ये? मतलब करीबन 2 साल हो गए तहसीलदार को बताई। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये बोला था कि ठीक है पप्पू भाई इसका करवाते, उन्होंने भी कुछ भी नहीं करवाया अभी तक। क्या नाम है तुम्हारा? धर्मेंद्र। क्या हुआ आपको? मैं घर के बाहर खड़ा, जैसे टंकी गिरी मैं अचानक चक्कर में गया, मैं भतीजे में उनको हाथ में करंट भी लगा, अंदरूनी चोट, पैर में चोट लगी, मैं खड़ा नहीं रह सकता मैं ठीक से, अंदरूनी चोट है, करंट भी लगा मेरे को। अच्छा, तो ये क्या पानी की टंकी थी क्या? जी पानी की टंकी थी। अच्छा, काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, हमने शिकायत भी कई बार कलेक्टर ऑफिस में, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। आपका क्या नाम है? अर्जुन मीणा। क्या हुआ आपको? सर मैं घर के वहाँ खड़ा था डेली में, और ऊपर से पानी की टंकी गिर गई जो मेरे पैर में लग गई, और मेरे हाथ भी क्योंकि अंदरूनी चोट है, मेरा हाथ टूट गया और ऊपर हो गया। ये बच्ची भी थी क्या पानी में? ये पानी में पूरा डूब गया था, और ये मम्मी ने बचाई इसको, और ये ये दोनों बच्चे भी पानी में डूब गए थे। आप? अच्छा, तीनों बच्चे। आपके परिवार वालों ने इनको निकाल के बचाया? मम्मी ने इन्हें निकाला, और पानी जमीन से 7-8 फीट ऊपर चला गया था, दीवार से टकरा गया जी। आज देखिए पिपलौन कला में सुबह काजीपुरे में जो पानी की टंकी गिरी, वहां जाकर आपने मौके का मुआयना करा जी?
जैसे ही हमको सूचना मिली थी, हम अपने स्टाफ के साथ में वहाँ रवाना हुए थे। वहाँ पे हमने मौके की पूरी जायजा लिया गया। वहाँ पे कुछ लोग घायल हुए थे, दो लड़के घायल हुए थे और दो तीन बच्चे बह गए थे पानी में। उनको उनके परिजनों द्वारा निकाल लिया गया था बाहर से। तो उनकी उनको हमने जॉगी बुला के उनकी रिपोर्ट लिखी है। फिलहाल अभी उनको मेडिकल के लिए हमने भेज दिया गया है और हमने इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों और रेवेन्यू में भी तहसीलदार साहब को हमने दे दी है। घायलों के नाम है, एक लड़का है धर्मेंद्र, अर्जुन और दो बच्ची हैं रिया राधिका और एक बच्चा है कुंदन जी। इनको आपने इलाज के लिए आगे रेफर कर दिया जी? इनको अभी मैंने इलाज के लिए मेडिकल करवाने के लिए जिला अस्पताल आगे रेफर कर दिया गया है। और आपने इसमें मर्म कायम करा जी? इनकी रिपोर्ट लिखी गई है, बाकी इनकी जांच जारी है। जो भी जांच में जो आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा धन नुकसान भी हुआ है क्या? इसके अलावा दो गाड़ियों में भी नुकसान हुआ है, एक मोटरसाइकिल और एक एसयूवी कार है, उसमें भी नुकसान हुआ है पानी की टंकी गिरने से। अच्छा, तो वो भी क्षतिग्रस्त हो गई है? वो भी क्षतिग्रस्त हो गई है, उसकी भी पंचनामा वगैरह की जा रही है। रिकमेंडेशंस जो आपके लिए सही हैं, ओनली ऑन डेली हंट।